हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज किचन। आज मैं आपको इस वीडियो में चॉकलेट केक स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी, वो भी कुकर में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके सामने ही बेल बटन है तो उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं, फर्स्ट मैं अपना कुकर प्रीहीट करने रख दूँगी एकदम लो फ्लेम में, और मैं लीड से उसका वॉशर हटा दूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी। तब तक हम अपना बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैंने बाउल में 1 टेबल स्पून घी लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी पाउडर शुगर। तो मैंने पाउडर शुगर 200 ग्राम लिया है, जिसमें से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। आपको ये अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद मैं अपना सारा ड्राई इंग्रेडिएंट को छान लूँगी। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं दूसरे बाउल में मैदा छान लूँगी। तो मैदा मैंने 250 ग्राम लिया है, मैं फर्स्ट उसको अच्छे से छान लूँगी। इसमें मैं सब कुछ मिला के नहीं छानूंगी, फर्स्ट पहले मैदा ही छानूंगी, क्योंकि मुझे कोको पाउडर ऐड करना है। तो कोको पाउडर ऐड करने से पहले मैं मैदा ही इससे निकाल लूंगी। मैं जितना कोको पाउडर डालूंगी उतना मैदा निकाल लूंगी। मैंने 4 टेबल स्पून मैदा रिमूव कर लिया है, तो इसमें मैं 4 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूंगी ताकि आपका केक में टेस्ट भी अच्छा आए और एक मेज़रमेंट प्रॉपर रहे। अब मैं इसमें छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसमें अपना सारा ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर लूँगी, जैसे कि मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, सोडा। मिल्क पाउडर में इसमें आज सिर्फ 80 ग्राम यूज़ करी, क्योंकि चॉकलेट का केक बनाना है। तो ज़्यादा मिल्क पाउडर डालेंगे तो चॉकलेट का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, चॉकलेट टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं मिल्क पाउडर ज़्यादा नहीं डालूँगी। और आज मैं दही का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिना दही का बना रही हूँ चॉकलेट केक। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क पाउडर और फिर इसे मिक्स करके मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। फर्स्ट मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून, फिर मैं 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालूँगी। हमें सोडा ज़्यादा नहीं डालना है, वरना केक में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। अब मैं पहले वाले मिक्सचर में ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट डाल लूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मेरे स्पून में लग गया था तो मैं उसे रिमूव कर ली हूँ ताकि अच्छे से मिक्स कर सकूँ। मैं नॉर्मल दूध से इसे मिक्स कर लूँगी। और मिल्क जो हम लेंगे वो हमें एकदम रूम टेम्परेचर में लेना है, ना वो ठंडा होना चाहिए ना गर्म। अगर ठंडा या गर्म हुआ तो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आप फ्रिज में रखते हैं मान लो दूध, तो उसे 1 घंटा पहले निकाल लीजिए। और मैदा भी कोई कोई फ्रिज में रखते हैं, तो मैदे को भी आप पहले 1 घंटा पहले निकाल लीजिए, तभी यूज़ कीजिएगा। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के मत यूज़ कीजिएगा। और अगर बटर यूज़ कर रहे हैं तो बटर भी एकदम रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। हमें सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर में यूज़ करनी है, ठंडा गर्म यूज़ नहीं करना है, वरना केक बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। ये एक मेन पॉइंट है केक अच्छा बनाने का। और इसे फेंटना भी मस्त है, इसे अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम मेरा बैटर रेडी है, अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैंने बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाया है और साइड में ऑयल से ग्रीस कर लिया है। वैसे तो बटर पेपर लगाने से इजीली रिमूव हो जाता है, बस मैंने साइड में ना चिपके बोल के ऑयल से ग्रीस किया है।
अब मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। और लास्ट मेन पॉइंट है, इसे टैप करना, टैप करना बहुत कंपलसरी है ताकि आपका जो भी बबल से केक के ऊपर सब बैठ जाए। ये हो चुका है, चलिए हम इसे अपने कुकर में डाल लेते हैं। इसे पकने में अराउंड 40 मिनट्स लगेगा, बट आपको अगर चेक भी करना है तो आप 30 मिनट्स के बाद ही कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। बार बार खोलेंगे बंद करेंगे तो केक राइज नहीं होगा, तो आपको चेक करना है, आप 30 मिनट्स बाद ही कीजिएगा। अराउंड 35 मिनट्स हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो चॉकलेट केक पकने में थोड़ा कम टाइम लेता है, चेक कर लेते हैं। देखने में लग ही रहा है रेडी है, देखिए रेडी है, जैसे टूथपिक भी क्लीन आ रहा है। अब हम इसे बंद करके 5 मिनट्स तक इसमें छोड़ देंगे, 5 मिनट्स बाद इसे निकालेंगे। 5 मिनट्स हो चुका है, अब मैं इसे फ्लेम बंद कर देना है, फ्लेम बंद करके 5 मिनट्स रखना है। अब हम इसे को इससे रिमूव कर लेंगे, टिन को बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत केयरफुली करना होता है क्योंकि कुकर बहुत हॉट है तो हाथ में लगने का चांसेस ज़्यादा है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मेरा केक कैसा बना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।